और ये भी समझ के मेरे बीडीसी एक बनी च बैठे थे ना ते उन्होंने भी कुछ इज्जत रह जाए। सर मैं डीसी साहब का बहुत बहुत स्वागत करता इतने आन का और बाकी इन्होंने नाल डिस्ट्रिक्ट लैवल के जितने भी अफसरान आए थे और तहसील लैवल के जितने भी हैं बाकी मेरे पंच सरपंच बाकी आम सब का बहुत बहुत शुक्रिया मैं धन्यवाद करता हाँ। डीसी साहब जा इतने का सिर्फ दो तीन डिपार्टमेंट हैं जेडे वो अच्छा काम करे करते हैं, एक तो फॉरेस्ट है तो एक जनाब हेल्थ भी साडा ठीक काम करे करता है, मगर सर हेल्थ के कोई स्टाफ नहीं है। हर मुल्क हर स्टेट अगे जा रही है, साड़ी बनी सर पिछे जा रही है। कभी तो साडा गायनन का डॉक्टर गया, कभी साडा अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर गया, कभी साड़ी एम्बुलेंस ही खत्म हो गई, तो सर असी पिछे जाए करते हैं। मैं साडा हर पंचायत के मीटर करना मुश्किल हो चुका है, एक तो साडा हेल्थ का स्टाफ पिछे जा रहा है, दूए साडे टीचर ने जेडे वो भी सर घटते जा रहे हैं, कुछ तो रिटायर होते जा रहे हैं और कुछ की ट्रांसफर थले नू हो रही है कठुए वाले। तो इस वास्ते सर कठुए जिन्हें भी कॉलेज आ रहे हैं उत्थे प्राइवेट स्कूल भी काफ़ी ने, कॉलेज ने उन्होंने बच्चों को फैसिलिटियां एन पढ़ दियाँ, सर इतने तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं। 100-150 बच्चा एक एक स्कूल के दो दो तीन तीन सर टीचर ने, तो ये इस इलाके के नाल बहुत बड़ी बेइंसाफी है। PMGSY के मैं प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रगुजार हाँ कि जिन्होंने बहुत सारा दिल खोल के सानू मकाना वास्ते पैसे दिते ने और ये मकान साढ़े तद ही कंप्लीट हो सके ने कि फॉरेस्ट वाले ने साडा बहुत तावन किया है। मैं अपने DFO साहब का भी शुक्रगुजार करना कि इन्होंने गाइडलाइन नहीं देखा इन्हों के मुलाजमान ने और एक हमदर्दी नाल जेड़े बिल्कुल ही गरीब से उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट लकड़ी भी दी है और बाकी दियां घट रेट न लकड़ी दे के इन्होंने साडा समझो कि सिर मत्था बचाया है लोगों को ताकि इतने असी थोड़े कामयाब हो रहे। और कुछ इन्होंने पुल भी पुलों वास्ते भी जेडे शहर पैदल रस्ते हैं जिथे कोई रोड का पुल नहीं है, छोटे नाले है जिथे सिंगल पुल सिर्फ आदमी ज खच्चर ज माल टप्पण वास्ते वह भी इन्होंने तमीर करवाए ने। उस तो बाद सर मैं ये पूछना चाहना कि जो PMGSY के रोड है इस डिपार्टमेंट के नाल साडा की रिश्ता है कि हर बार जिस वेले भी गल उठती है तो इन्हों के खिलाफ ही उठती है, तो मैं ये पूछना चाहना कि इन्हों के खिलाफ रिश्ता की है, इन्हों को पूछते क्यों नहीं है। साडे सरपंचा ने हमने दसिया है कितने लुक पाई है तो महीने बाद उखड़ गई है, कितने कलबट नहीं बनाया, कितने वो चुड़ाई पूरी है नहीं, ये सर इन्होंने नाल रिश्ता खत्म करके तो इन्होंने को जिस तरह सरकार इन्हों पैसा दे रही है और सही तरीके को कम लाओ, अगर कोई सही तरीके काम नहीं करता तो सर इन्हों के खिलाफ एक्शन लो कार्रवाई करो इन्हों की ट्रांसफर करो। बाकी जिन्हें भी मेरे सरपंचा ने मैंबर ने मुद्दे उठाए ने बिल्कुल जायज ने, अगर मैं दोबारी उन्होंने रिपीट कराँगा तो लिस्ट लम्मी बन जाएगी। तो सर इन दो गलों पर ध्यान दो, एक तो साढ़े टीचर जो थले जा रहे हैं उन्होंने रोको, तो एक गायनन की डॉक्टर तो एक अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर सर जरूर दिए, जिहड़ियां साड़ियां बच्चियां ने उन्होंने महीने डेढ़ दो महीने बाद सर एक्सरे कराना पैंदा है तो वह सर कित्थे जाण, यह एक बड़ी प्रॉब्लम है। सर PHE विच बहुत पैसा दिता सरकार ने, मैं प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना, बहुत अच्छा काम चल रहा है। जिस तरह साड़ी रीना जी ने कहा है कि भंडार च टैंकियां ठीक नहीं हैं, मैं वो भी तायद करदा, मैं इन्हों कहना कि उत्थे जाके देखो ठेकेदार कौन है, किसने इस तरह का घटिया काम किया है, उन्होंने होने कराओ और दुबारी अच्छे तरीके बनाओ कि ताकि ये पैसा सानू सर दुबारी दुबारी नहीं मिलना, अगर एक बारी मिलने के नाल असी गैली नाले नू यूज करांगे तो दोबारा इन्ना पैसा कौन दे। महादेव प्रिंटिंग प्रेस बसोली, फ्लेक्स बनवाने हो या फिर घर और दफ्तर में 3D वॉलपेपर हो लगाना, महादेव प्रिंटिंग प्रेस है ना। बस यही नहीं और भी है बहुत कुछ, शादी का कार्ड, कैरी बैग, बैनर, विजिटिंग कार्ड, बिल बुक्स, पोस्टर, स्टिकर, लेटर पैड, पिज्जा एंड केक बॉक्सेस, PVC वॉलपेपर, ग्लो साइन बोर्ड, एक्रिलिक लेटर बोर्ड और रिवर्स कटिंग लेटर बोर्ड, बेडिंग, ड्राई फ्रूट बॉक्सेस, कॉन्टेक्ट करें 9906392292 पर। महादेव प्रिंटिंग प्रेस जिसका पता है नियर SBI बैंक बसोली।